नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दूसरी लिस्ट व रिजल्ट को लेकर। दोस्तों, यहाँ पर आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है वो आ रही है आप सबका। दोस्तों, आपका रिजल्ट 15 मार्च को रिलीज किया गया था, आप सबको पता होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट को लेकर, रद्द होने को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए निकल के आ रही है। क्या अपडेट है, इस वीडियो में बात करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को इधर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको बताया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब से रिजल्ट आया तभी से दोस्तों यहाँ पर सेकेंड लिस्ट का सभी स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट के मुझे लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर, जो रिजल्ट है उसमें फर्जीवाड़ा किया गया और रिजल्ट को रद्द किया जाए और दूसरा रिजल्ट है वो जारी किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रिजल्ट को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने दोस्तों हाई कोर्ट में दोस्तों याचिका दायर की गई है, जिसमें कि दोस्तों कहा गया है कि रिजल्ट में उनके नंबर स्टूडेंट के ज़्यादा होने की वजह से, ज़्यादा नंबर हैं फिर भी उनका जो है सलेक्शन नहीं हुआ है, ऐसा क्या कारण है, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़े की दोस्तों अपडेट आ रही है। एक जगह पर दोस्तों दिल्ली में रोहिणी नगर में एक स्टूडेंट को भी पकड़ा गया था, जिसका खुद जो जो पिताजी थे वो भी पुलिस में लगे हुए थे और वहाँ पर उन्हें नकल करा रहे थे, उनको यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ा गया था। तो इस प्रकार दोस्तों काफ़ी सारी घटनाएं हैं और इसी के साथ कट ऑफ को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। तो इसको लेकर दोस्तों काफ़ी सारे स्टूडेंट ने दोस्तों यहाँ पर याचिका है वो कोर्ट में लगाई है। और इसी के साथ EWS वाले स्टूडेंट को यहाँ पर फर्जीवाड़े की अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने EWS का जो प्रमाण पत्र है वो फर्जीवाड़े तरीके से लगाया गया है। अब मैं सेकंड लिस्ट की बात करूँ तो दोस्तों, अगर रिजल्ट रद्द नहीं होता है तो आपकी सेकंड लिस्ट जरूर आएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो फिजिकल के लिए टोटल कैंडिडेट पास आउट किए गए थे दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा आपके UR यानी कि जनरल में किए गए थे, इसके बाद आपके OBC में और EWS में और ST में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी कैंडिडेट हैं, टोटल आपके 67,740 हैं। लेकिन सभी कैंडिडेट दोस्तों फिजिकल है वो नहीं कराएंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट का अन्य भर्तियों में सिलेक्शन हो चुका है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे खाली रहने की उम्मीद है। और ऐसे में दोस्तों जो सेकंड लिस्ट है वो जारी होना स्वाभाविक सी बात है, सेकंड लिस्ट जरूर आएगी। इससे पहले पिछली बार जब आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा कराई गई थी दोस्तों, तब भी आपकी मैं बता दूँ कि सेकेंड लिस्ट जारी की गई थी, जिसे कि नाम दिया गया था रिवायर्ड सेकंड लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, रिवायर्ड सेकंड लिस्ट से नाम लिया गया था और वो जारी की गई थी। तो आपकी सेकंड लिस्ट आएगी, ये बिल्कुल कंफर्म है। और सेकंड लिस्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको दोस्तों यहाँ पर मार्च के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। और रिजल्ट रद्द होने को लेकर दोस्तों अभी यहाँ पर विचार किया जाएगा और कोर्ट का यहाँ पर फैसला आएगा दोस्तों। जो सुनवाई है वो 25 मार्च को रखी गई, यानी कि 25 मार्च को आपका फैसला है दोस्तों आएगा कि इसमें क्या आगे प्रोसेस रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने याचिका दायर की है विद प्रूफ के साथ कि इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है। तो दोस्तों कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में दोस्तों, जैसे ही आपकी सेकेंड लिस्ट आ जाएगी आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। और जो ऑफिशियली वेबसाइट है SSCNIC.IN, इसी पर दोस्तों आपकी सेकंड लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसी सेकंड लिस्ट आए तुरंत आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट पहुंच जाएगी। और दोस्तों नई भर्तियां भी दोस्तों आपकी आने वाली हैं, अप्रैल के लास्ट वीक में दोस्तों 8,800 पदों के लिए विज्ञप्ति है वो जल्द जारी की जाएगी। तो दोस्तों तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।